देश भर में 1 अक्टूबर 2019 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और जीएसटी को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करा सकेंगे। इन नियमों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, इसलिए नियम लागू होने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से नए नियम हैं जो कल से लागू होने वाले हैं। एक नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग एक जैसा हो जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल लेने पर अब 0.75% कैशबैक नहीं मिलेगा। होटल में 7,500 रुपये तक के किराए वाले रूम पर जीएसटी 12% और 1,000 रुपये तक के होटल रूम पर टैक्स नहीं लगेगा। एसबीआई के एक नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मासिक औसत जमा राशि नहीं रखने पर जुर्माने में 80% तक की कमी आ जाएगी। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा, जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे। 7 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाएगी। ये कुछ नए नियम हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।